नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनटीए नेट कॉमर्स जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है सेकेंड शिफ्ट में हुआ था और आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एक साथ, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है ERICMEDLINE एंड ABI इनफॉर्म आर इंस्टेंसेज ऑफ, इसमें फोर पार्ट्स दिए गए हैं एज यूजुअल, आपको इसमें सही ऑप्शन को टिक लगाना था। तो दोस्तों चलिए इसकी तरह आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जैसे कि अब तक होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, अगर आप इन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी से आगे लेके चलता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सभी क्वेश्चनों का आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए नेट का जो सिलेबस है वो पूरी तरह चेंज हो रहा है। एक्चुअली उसमें एनटीए नेट का जो सिलेबस है उसमें 20% का एडिशन हुआ है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एडिशन हुए हैं कुछ नए टॉपिक्स और उन एडिशन के बेस पे 20% जो क्वेश्चन थे वो चेंज आए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो 20% के क्वेश्चन है वो नए आए थे। ये इस बार पैसेज आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो पीडीएफ में मैं आता हूँ, आप इसको लेने के लिए हमें व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर 9999076572, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होता है, दो पेपर होते हैं इसमें, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, DI होती है, पैसेज होता है। और जो सेकेंड पेपर होता है वो हमारा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, उसमें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंट हमारा एग्ज़ाम हुआ है और इसकी आंसर कीज भी आ चुकी हैं, तो इसकी आंसर की वीडियो मैं बहुत आसान तरीके से बना चुका हूँ। उसमें आपको ऑप्शन आईडी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, ऑप्शन आईडी से चेक करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप अपनी आंसर की को टैली कर सकते हैं उस वीडियो के देखते देखते, या फिर उस वीडियो में जिससे मैंने समझाया वो PDF आप ले सकते हैं, वो भी सेम मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद हम आपको व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू आपको वो आंसर की प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों एनटीए नेट का पेपर जो है इजी नहीं होता, टफ पेपर्स यानी टफ एग्जाम्स में से इनको 8th या फिर 9th नंबर पर UGC नेट का एग्ज़ाम आता है, और लेकिन इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पढ़ाई सही से की है, आप अपना 100% दे पाते हैं तो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है, मीन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाता है जिसके आंसर देने थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए एनटीए नेट एग्ज़ाम को बहुत ही तैयारी के साथ फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये DI आया था, DI से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं इसमें,
गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ICSSR इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पूछा गया था पॉल्यूटेड वाटर से कौन सी डिजीज होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमें यहाँ पे बताना था कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन कौन सी कमीशन में इसके बारे में देखा गया था, और क्वेश्चन नंबर 43 स्वयं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। स्वयं और स्वयं प्रभा, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं। उन्नत भारत अभियान से एक क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 गैस पूछा गया था सर। इसके तो सही करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं या फिर आंसर की मंगा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन पेपर हमें, अगर आप इसकी फुल फॉर्म आई थी सर NMEICT, इसकी फुल फॉर्म आई थी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स और एजुकेशनल ट्रिकी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सर ये क्वेश्चन आया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कौन सा डोमेन नेम यूज किया जाता है, तो बहुत ही इजी था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। न्यूमेरिकल आया था सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, जो इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ पाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। यहाँ से कॉमर्स का पेपर स्टार्ट हो चुका है। सेल एंड लीज बैक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सुगम कौन सा ITR को कहते हैं, सुगम कौन से ITR को कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इंड AS के क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अब तक पिछले कुछ एग्जाम्स में हमने नोट किया था कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार इंड AS से भी क्वेश्चन आया था, मार्जिनल रिवेन्यू निकाल क्वेश्चन आया था। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था, मैचिंग भी आई थी, इसको पढ़ने के लिए आप क्वेश्चन पेपर PDF में ले लीजिए जरूर, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें और आंसर की भी PDF ले सकते हैं आप। और अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर्स देखने पसंद हैं या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहते हैं, कई सारे क्वेश्चन पेपर लाते रहते हैं रिलेटेड टू UGC नेट एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, PhD एंट्रेंस। सो इसको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, जो भी NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स और पेपर 1। दोस्तों आप टाइम से नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, facebook.com/studycoach1। दोस्तों 1 लगाना ना भूले, ये हमारे पेज का डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पे हेड क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन था, WTO, IMF, FAO, EU से रिलेटेड जो हेड क्वार्टर कौन सा किसका है, ये मैचिंग करके हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना था। डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन आया था जी, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना था, बहुत ही इजी है इसका प्रोसेस। इसके सॉल्यूशन के लिए, इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए जितने भी नुमेरिकल आए थे उनके सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्द इसके सॉल्यूशन भी लेके आ रहे हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कौन सी कमिटी से रिलेटेड है,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। एंटी नेट का यही एक खूबी है कि इसमें आप जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे कुछ ना देखेगा, क्योंकि लगातार चेंजेस हो रहे हैं ताकि क्वालिटी स्टूडेंट्स को नेट मिल सके। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना था। रिग्रेशन कोफिशियंट का क्वेश्चन था, रिग्रेशन कोफिशियंट दे रखे थे, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था हमें। और इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी था, या यूँ कहो कि इसके ऑप्शन इतने इजी थे कि हमें करने में थोड़ी आसानी रही। इस तरीके की गुडविल अच्छी होती है, ये पूछा गया था। ओके, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों इसके आंसर की मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप वहाँ पे जैसे जाके इसके आंसर्स देख सकते हैं। वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं जो ऑफिशियली प्रोवाइड किए गए हैं ऑप्शन आईडी के साथ, उसी को मैंने बस सॉल्व करके सीधा ऑप्शन बता रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, तो वहाँ से चेक करने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल मार्क मनी ट्रांसफर के लिए क्या यूज किया जाता है, ये पूछा गया था जी क्वेश्चन में। स्टैट्स का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर्स और एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है ये, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। हियर इट इज़। तो दोस्तों यहाँ वीडियो ख़त्म होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल ट्रिकी वीडियो आप तक सब
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल ट्रिकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने रूफ पर मीन्स अपनी छतों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, सही टाइम पर उसको पानी दें, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम भी एक छोटा सा योगदान दे सकें। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं अपने छतों में, अपने घरों में, या जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो दोस्तों सेव ट्री सेव लाइफ। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।